24/7 फुल बिजी। दिस इज प्योर नॉस्टैल्जिक एपिसोड। आज की वीडियो में आपने सिर्फ कमेंट करने दिल्ली दिल्ली दिल वाली दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। एक हमारी देसी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। हाय गाइस, सनवित दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और दिल्ली की सर्दी में आपका स्वागत है। खाएंगे बहुत सारा खाना। सर्दी आ चुकी है, बट ये कुछ दो तीन एपिसोड ऐसे रहेंगे जो हाफ स्लीव्स में चलेंगे, क्योंकि अभी मट्टी मट्टी सर्दी आई है। बाकी बातें गोलगप्पे खाते खाते करेंगे। आज की वीडियो में गोलगप्पे है, चाट है, समोसे है, डोसा है, मीठा सब कुछ है। एक गोलगप्पे खिलाइएगा, बड़े वाले खिलाइएगा भैया। कितने के हैं? 20 के 4। वीडियो लाइक कर दो, बथेरा काम होने वाला है आज की वीडियो में। अच्छा, सारे दिल्ली वालों के लिए एक टास्क है। ये तो है भैया सीताराम बाजार के मशहूर इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट के बाहर लगाते हैं, रोहिणी सेक्टर 14 में। इनके टोटल 3 यहाँ पे वैन्स है, 2 रोहिणी में, 1 पीतमपुरा में। ये हमारा रोहिणी इलाका है, हमें पता है। ट्रैवलिंग पाजी डेली व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि इनके तो हम लोग खाते रहते हैं। पर गाजियाबाद वाले, नोएडा वाले, गुड़गांव वाले, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, पूरी दिल्ली, पूरे NCR वाले, मैसेज करो वेजी बाजी पे इंस्टाग्राम पे या वेजी बाजी पे मेल करो, आपके घर के आसपास कौन सा बढ़िया खाना मिलता है, तो आपके साथ वो खाना एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली की सर्दी में। एक बड़ा वाला लगाना करा। इनके गोलगप्पे का साइज देखना, एकदम बड़ा। और दिल्ली में लोग गोलगप्पे खाते हैं आलू और चने के साथ, सौंठ लगाई, तीखा एकदम स्पाइसी पानी। पानी जरा दिखाइएगा लोगों को, एकदम तीखा। दिल्ली में बोलते हैं इनको गोलगप्पे, मुंबई में बोलते हैं पानीपुरी। ये सीताराम बाजार कौन सा वाला है? चांदनी चौक में ही है, वहाँ जो मालिक थे उनका मकान वहीं था, वो वहीं रहते थे। अभी तो एक्सपायर हो गए। कब की बात है? लगाते हुए तो हमें 20 साल हो गया रोहिणी में। ये तो स्टार्टर है, 20 के 4 इतने बड़े बड़े गोलगप्पे देते ना, मज़ा आ जाता। आप लोग आते हैं बढ़िया चीज़, बल्ला पापड़ी चाट। हमारे यहाँ यूपी में गरम गरम छोले डालते हैं, चाट बनाते रहेंगे गरम गरम। और यूपी में खा के मजा आता है, दिल्ली में पर ये जो इतने बड़े बड़े वाले गोलगप्पे जो है ना, इतना बड़ा गोलगप्पा था आधा तो कटोरी में टूट गया। तो ये गोलगप्पे भी आप ही बनाते हैं या लाते हैं कहीं से? आप खुद ही बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं, हमारा सब सामान खुद का तैयार है। क्या नाम है आपका? रामा प्रसाद। वो एक भल्ला पापड़ी भी लगवा दीजिए, बढ़िया सी भल्ले पापड़ी। इधर आटे वाले, आटे के खाते हैं लोग? खाते हैं, कम खाते हैं? कम खाते हैं, कम खाते हैं। सूजी खा के एक थोड़ा पेट भी भर जाता है ना, मसाले तभी कम रखते हैं। देखो ना सूजी वाले इतने सारे रखे, इतने सारे, और साइज भी देखो कितना बड़ा है, आटे वाले थोड़े से। प्लस ये वाली चीज भी ना आपको दिल्ली में ही मिलेगी, ये ओमनी वैन का भरपूर इस्तेमाल होता है दिल्ली में। कचालू आपको पुराने दिल्ली में ही मिलेगा। हाँ, तभी तो सीताराम बाजार वाले कचालू, मेरे को नहीं लगता रोहिणी में और कोई डालता होगा। ये लग रहे हैं हमारे सीताराम बाजार के मशहूर भल्ला पापड़ी चाट इन रोहिणी। भाई इसके अंदर खास पता क्या है? इसकी वॉल्यूम पैकिंग करवा के ले, भल्ले बड़े, साइज देखना। और ये पापड़ी इतनी क्रिस्पी है ना, मैंने एक बार घर पे पैक करवा के लेके गया था। ट्रैवलिंग पाजी डेली व्लॉग्स पे उसकी पूरी कहानी है। भैया ने दही समेत पैक कर दिया था और घर जाते जाते तक क्रिस्पी रहा था। कैन यू बिलीव इट, लोग पैकिंग के ज़्यादा लेके जाते हैं यहाँ पे। हाँ, घर पे खाने में इतना मज़ा जो आता है ना, बनाते भी बड़ी प्लेट है, मतलब खुले दिल से बनाते हैं, इतना टेस्टी। और मेरे को नहीं लगता था रोहिणी में और कोई कचालू के साथ ऐसे देता है, मतलब बिल्कुल ना ऑथेंटिक स्टाइल से। दो डेढ़ दही देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है। क्या रुपए प्लेट है ये? 70 रुपए। 70 रुपए, 70 रुपए प्लेट ये, और गोलगप्पे 20 के 5 के, 20 के 4, 20 के 4। ये हमारी लगी, ओ अच्छा, सेव डाल के, धन्यवाद जी। बहुत ही शानदार प्लेट लगी है, बातों ही बातों में रात हो गई है। पूरा जो सामान है ना आज का, वो सारा शाम का है। रोहिणी का दिन का खाना अलग, रोहिणी का शाम का खाना अलग। दिल्ली की सर्दी के पीछे एपिसोड्स में आप रोहिणी सर्च करेंगे, आपको वेजी बाजी का मिल जाएगा खाना बहुत सारा। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं, ये नई डिस्कवरी अभी मैंने करी है, 6-8 महीने पहले ही करी है। कितने बजे से कितने बजे तक टाइम रहता है? 5:30 से 9 बजे तक। 5:30 से 9 बजे तक। ये मैं आपको रास्ता समझा रहा हूँ, ये सीधी की सीधी रोड जो है प्रशांत प्यार के आउटर रिंग रोड पे बाहर निकल जाएगी, आप इसी रोड को पकड़ते पकड़ते आ जाओ। ये साथ में 2 अपार्टमेंट है, इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट यहाँ का लैंडमार्क थोड़ा सा कह लो, यहाँ पे इनका सीताराम चाट। पीछे है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो, यहाँ पे वॉक करो, यहाँ पे कैलोरीज बढ़ाओ, यहाँ कैलोरीज बढ़ाओ, यहाँ कैलोरीज बर्न करो, मस्त फुल कॉम्बिनेशन पैकेज बना रखा है। मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, पहले खाता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये चाट इतनी बढ़िया क्यों लगती है मुझे। भाई एक तो इनका प्राइस ओनली 70 रुपीज़ की, इतनी क्वांटिटी में देते हैं दिल्ली जैसे शहर के लिए, ये बहुत रीजनेबल प्राइस है। दूसरा जो बनाने का तरीका ना इनका, पापड़ी इनकी इतनी क्रिस्प रहती है भाई, ऐसे चाट ये ना बना के देते हैं पैकिंग में, आप घर में लेके जाओ 15-20-25 मिनट तक पापड़ी जो है सौगी नहीं होगी, इतनी पता नहीं क्या तजुर्बे से पापड़ी बनाते हैं। ये तो भल्ला था, इसको इंजॉय करते हैं गाइस। आज की वीडियो में बहुत सारा खाना है, खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब दिखाते हैं आपको वो वाले समोसे जो करीबन मैं 10 साल से खा रहा हूँ। चलते हैं वहाँ पे बात करते हैं।
तो अपनी दूसरी जगह पे आए दीपक चाट के समोसे खाने। पहले लगाते थे ये पीछे जो आप देख रहे हो वो डीडे मार्केट है सेक्टर 13 की, बहुत फेमस है रोहिणी में। पहले डीडे मार्केट के जस्ट सामने लगाते थे, ये चौमिन वाले समोसे लगाते थे। वहां से ग्रो करते करते आज इनके पास 8 टाइप के समोसे, पिज्जा समोसा, चौमिन समोसा, मंचूरियन समोसा, भाई साहब इतने सारे समोसे। आइए टेस्ट करते हैं और बाकी बातें टेस्ट करते करते करेंगे। एक मिनट लगा दो, पिज्जा निकाल दो, चौमिन निकाल दो जी भाई, और एक निकाल दो मंचूरियन। इसके अलावा और कौन कौन से रहते हैं अपने पास? सिर्फ अभी अपने पास होता है चिली पनीर, मंचूरियन, पिज्जा, पास्ता, चौमिन, मैगी, मशरूम चाप, पीस कॉर्न। और क्या क्या रेट है उनके? भाई रेट अपने नॉर्मल है, 10 से स्टार्ट है। 10 से स्टार्ट चौमिन समोसा आलू समोसा 10 रुपए का है। 10 रुपए का जी। आलू भी रखते हो? मैं इतने सारे समोसे दिख रहे हैं, आलू दिख ही नहीं रहा। आलू तो मेन है यार, समोसा बाकी सारे भी 20 रुपए हैंडल, बाकी सारे 20 के। अच्छा 10 से 20 के समोसे जी भैया जी। इसमें भैया अंदाजा कैसे लगा तो कौन सा है? मार्किंग होती है भैया इन पे? सब पे अलग अलग निशान लगे होते हैं। अभी निशान लगाओ कि जैसे अब ये बनाओ, जैसे भी चाप वाला बनाओगे आप। चाप वाला आपको चाहिए? दो चिली पनीर प्राइस दे दूं? चिली चाप है कौन वाले दे? अभी इस पे निशान कैसे लगाएंगे? ये निशान दो कौन वाले बहुत जा, इससे पता चल जाएगा कि ये चिली चाप है। चिली चाप, चिली चाप का 2 पीस है। अच्छा पिज्जा में यहाँ निशान होता है भैया। 16-17 साल हुए भी। पहले ये भुटानी के साथ में लगाते थे जूस वाले के साथ में जी भैया, अभी यहाँ शिफ्ट हुए परमानेंट। हाँ है तो तब से खा रहा हूँ, तब सिर्फ चौमिन मिलता था जी पहले। चौमिन तब दीपक भैया चौमिन लगाते थे जी। ये भी मंचूरियन अपना। अच्छा मंचूरियन का क्या निशान होता है? अच्छा शेप है, पास्ता की पास्ता शेप है जी भैया। ठीक है, ये भी अपना स्पेशल पिज्जा रोल। पिज्जा सबसे ज्यादा लोग पिज्जा पसंद करते हैं। हमें तो पसंद पिज्जा, स्प्रिंग रोल है, वेज कबाब है, फ्रेंच फ्राइज है भैया, सोयाबीन चाप है। सलाद वलाद लगा देना हाँ जी, उसके साथ अलग ही मजा आता है। समोसा लगा रहा हूँ भाई मैं, पिज्जा समोसा ये लो। पीछे वाला कौन सा अपार्टमेंट है ये? ये भैया स्वास्थ्य कुंज। ये कौन सा है? ये मंचूरियन है पिज्जा। ये मंचूरियन पिज्जा और एक चौमिन भी लगा दो। चौमिन वाला भी बंदा था अभी। चौमिन वाला अच्छा, और कौन कौन से वैसे? अरबी चिली पनीर है। हाँ चिली पनीर, चिली पनीर लगा दो चौमिन के। बड़ा यहाँ पे भीड़ भड़ी रहती है। टाइमिंग क्या रहते हैं अपने? 3 बजे स्टार्ट होता है भैया। 3 से स्टार्ट होता है जी भैया। सबसे पहले पिज्जा ही खत्म होता है शायद। 24/7 फुल बिजी। किसी दूसरे की बाइक हमेशा सैक्रिफाइस होती है, ऐसे फटाफट खा लेते हैं इससे पहले इस बाइक के ओनर आ जाए, उनको भी खिला देंगे भाई भाईचारे में। यहाँ पे हमारे पास है चिली पनीर, ये लो ये भाई की पसंद का हो गया, मंचूरियन, और ये है इनका सबसे फेमस पिज्जा। मतलब यहाँ पे आप 8 बजे आओगे ना, आपको ये समोसा नहीं मिलेगा खाने को, क्योंकि ये खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये वाली जो मार्केट है ना, आपको दिख नहीं रही होगी अभी, डीडीए मार्केट है। इसकी यहाँ की पॉपुलैरिटी बताऊँ, पीछे लाइन जो है ना, इस लाइन का डीडीए मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है। ये दो अपार्टमेंट के बीच में इसे एली बोलोगे ना एक तरीके से, जो सारी गाड़ियाँ पार्क हुई है ना, ये सब लोग डीडीए मार्केट आए हैं। ये सब लोग डीडीए मार्केट आके अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करके गए हैं। वैसे ही दिवाली का टाइम है, हैप्पी दिवाली। आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो या तो दिवाली से 1-2 दिन पहले देख रहे होगे, या दिवाली वाले दिन देख रहे होगे। हैप्पी दिवाली आप लोगों को। तो सब लोग आए हुए हैं, सामान वामान अपनी डीडीए मार्केट से ले रहे हैं, और खाने में क्या करें? समोसे। डीडीए मार्केट में और भी बढ़िया चीजें मिलती है, साउथ इंडियन कॉर्नर, पूरी बेकर्स की मशरूम पैटी, सारी चीजें आपको दिल्ली की सर्दी के पीछे वाले पार्ट्स में दिखा रखी है। आज बारी है समोसों की, टेस्ट करते हैं। देखो मंचूरियन के बड़े बड़े पीसेस डाल रखे, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ नाम के लिए बना रखा समोसा। असली मजा इस समोसे का सलाद के साथ है, शादी वाला सलाद। हमारी दिल्ली ना दिल वालों की दिल्ली है, दिल से बोलो दिल्ली की सर्दी। क्या खाना मिलता भाई दिल्ली में, कमाल का। और ये तो हमारा रोहिणी है, यहाँ पे तो भाई हमारा बचपन निकला है, रोहिणी की अलग अलग गलियों में। ओ भाई कॉलेज में बच्चे ट्यूशन जा नहीं रहे, क्या करें? समोसे, चाप्पे, डोसे। रोहिणी में डोसे बड़े अच्छे मिलते हैं, डोसे खिलाए इसके बाद। एक डोसे वाली आंटी के डोसे खिलाते हैं, क्योंकि बड़े इतने क्रिस्पी होते हैं भाई, मजा आ जाएगा खा के। रोहिणी का ना आर्किटेक्चर ऐसा है, अलग अलग सेक्टर में बटी हुई है रोहिणी। पीछे हम लोग थे सेक्टर 14 में, अभी आगे सेक्टर 13, अब हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 15 का। पिज्जा समोसा बहुत कमाल का है, ऊपर जो ओरिगैनो डाल रखा है ना उससे एक एकदम तेज सा टेस्ट आ रहा है। जस्ट टेक दिस पत्ता गोभी एंड गाजर, मिक्स बोथ ऑफ द चटनी, एकदम यूनाइटेड, और उसके बाद ज्यादा इंतजार नहीं करना, लपेट लेना ऐसे। एक दौड़ चला था दिल्ली में अभी पीछे भाई, 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने वहाँ के भी खाए थे, जहाँ से आई थिंक स्टार्ट हुए थे ये सब, शादरा के। एक दौर पुरानी बात है दिल्ली की, और फिर अब ये अलग अलग जगहों में पॉपुलर हो गए। तब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, और वो एक्सपेरिमेंट का आज इनको ये सक्सेस मिल रहा है कि दुकान पे इतनी भीड़ होती है। ऑर्डर दिया था चौमिन का, चौमिन खत्म हो गया। मतलब वीडियो बनाने आए हो ना आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चौमिन का ऑर्डर दिया, चौमिन खत्म, भैया चिली पनीर दे दो, डोसे खिलाते हैं आपको, ऐसे ही पॉपुलर डोसे। गाड़ियों की वहां पे लाइन ऐसी लगती है ना, एक से बढ़कर एक, मतलब आपकी सेंट्रो से BMW सब वहां पे आके डोसा खाती है कि नहीं? कौन कौन से टाइप का डोसा रहता है? अनियन डोसा, मसाला डोसा, उत्तपम, प्लेन डोसा। अच्छा मतलब डोसा, उत्तपम, इडली वड़ा, चार चीजें रहता है। दाल वड़ा भी है।
तो इसको कितना टाइम हो गया ये? हमारा का टोटल हो गया भैया 29 इयर्स हो गया। इतना ही कुछ पुराना रोहिणी भी होगा? हाँ। रोहिणी भी 25-30 साल पुराना है। डीसी चौक में कब थे? डीसी चौक में हो गया भैया जी, यहाँ का आकर 15 साल हो गया, उसी के पहले डीसी चौक। अच्छा, क्योंकि मैंने तो जब भी मेरा भी 10 साल तो मेरे को हो गया होगा खाते हुए, यही 15 सेक्टर से ही खा रहा था। पहले आपका और भी आउटलेट होता था कोई? 15-16 सेक्टर में भी होता था। अच्छा, अभी यही इतना भीड़ यहाँ पे रहता है, इसको मैनेज करने में ही आपका क्या नाम? इसी में मेरा नाम भाग्य रहेगा। जोमेटो ऑफलाइन हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ही रहता है कस्टमर, अगर थोड़ा खाली रहा तो जोमेटो वाला वाला ऑफलाइन। जोमेटो में कब आया? हो गया भैया 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, उससे पहले तो टाइम भी नहीं था। क्या टाइमिंग क्या रहता है? 5 बजे से 10 बजे। 5 बजे से 10 बजे तक हम लोग तो बचपन से खा रहे हैं, आंटी खिलाती थी बड़े प्यार से। एक हमारा भी मसाला डोसा बोलिएगा, मसाला अलग से, और बड़ा निकल गया क्या? मेदू वड़ा निकल रहा भैया, निकल रहा है। हाँ, ये नया बैच पूरा बनेगा ना? हाँ, ये तो पूरा बनेगा, आपका कहीं इसी में नहीं आएगा। अच्छा, अगला अभी ऑर्डर पेंडिंग है। आप वैसे कहाँ से हैं? तमिलनाडु का रहने। अच्छा, तमिल का सांभर थोड़ा, मतलब जैसे कर्नाटका का सांभर थोड़ा मीठा रहता है, तमिल का सांभर थोड़ा वो अनियन सांभर डाल के वो रहता है। नहीं, वैसे तो हमारा प्रॉपर भी ये नहीं है। अच्छा, यहाँ का थोड़ा सा दिल्ली वाला टेस्ट मैच करा, चेंज करना पड़ा, करना पड़ा कि जैसे हमारा का सांभर में वो प्याज होता है, यहाँ का सांभर में हम प्याज। हाँ, मैं चेन्नई जाके खाया था मैंने, ये जैनीय सांभर है, प्याज नहीं होता। अच्छा, इस सांभर में प्याज नहीं होता, लहसुन भी नहीं होता? लहसुन भी नहीं होता। अच्छा, बड़ा इडली किसी में भी नहीं होता, सिर्फ मसाला डोसे में, आनियन डोसे में, उत्तपम में होता। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि कर्नाटका का सांभर थोड़ा मीठा रहता है, तमिल का सांभर थोड़ा अनियन, वो सांभर अनियन डालते हैं, साउथ इंडियन प्रॉपर वाला थोड़ा पानी पानी का। हाँ, यहाँ का पानी पानी नहीं। हाँ, वो चीज रहता है। ये वो वाली जगह है जहाँ पे मतलब मैं कुछ 8-10 साल से खाते आ रहा हूँ। किसी में रोहिणी से किसी से पूछेंगे ना, वैसे नाम तो क्या है, दक्षिण स्नैक्स है, पर आंटी वाला डोसा बोलते हैं, आंटी का डोसा खाते, आंटी वाला डोसा बोलते हैं। गाड़ी लगाई, खाया, सेल्फ सर्विस, खुद आके लो, खाओ। दक्षिण स्नैक्स तो कभी बार नाम ही भूल जाते हैं, आंटी का डोसा याद रहता है। हाँ, कस्टमर भी बोलते तो सोमाटो में क्या नाम से? हाँ, मैंने भी आपसे पूछा ना क्या नाम से, क्योंकि आंटी डोसा सर्च करते हैं लोग, फिर यही टेस्ट चलता हुआ आ रहा है, वही पसंद करते हैं। फैंस बड़े हैं रोहिणी में आंटी के दोस्त के, मेरे को ना बड़े बड़े पसंद है आपके, वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी रहते हैं ना, वो हाँ गरम गरम निकलते रहता है, मेरे को सबसे बड़े आपके बड़े ही लगते हैं। एक फ्रेश बैच बन रहा है वड़ास का, मेंदू वड़ा। ओके गाइस, लेट्स ट्राई रोहिणी का आइकॉनिक डोसा। सांभर दिखाता हूँ पहले, सांभर भी देखो भाई फुल वेजीज वाला। यहाँ पे भाई ने अपनी डलवाई इडली, मैंने तो डलवाया अपना वड़ा, तो एकदम गरम वड़ा निकला है। इसको खाने का मजा विद दिस नारियल का चटनी, इनक्रेडिबल। अरे भैया खाओ, आप अच्छे से खाओ, बड़े प्यार से खिलाते हैं। इनकी जो सासू माँ थी उन्होंने स्टार्ट किया था, वेरी नाइस लेडी शी वाज। यहाँ पे मतलब लोग डोसा खाने आते थे और यहाँ पे फ्रेश गाय का दूध मिलता था, वो भी लेते थे। पीछे अभी भी होता है, पीछे तेरे ऐसा लग रहा है तेरे सर के ऊपर से स्टीम निकल रही है, धुआं निकल रहा है। ये वाला जो एपिसोड है ना दिल्ली के सर्दी का, दिस इज प्योर नॉस्टैल्जिक एपिसोड। इसके बाद जो भी एपिसोड्स आएंगे वो आएंगे हमारी सारी वेजी पाजी डीजी फैमिली के अड्डे, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, द्वारका से, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, जहाँ पे भी हमारी वेजी पाजी डिजिटल फैमिली है, जिनको खाने के बारे में पता है प्लीज बताइए खाने की बेहतरीन जगह। हम लोग आपके साथ मिलके खाएंगे ऑन वेजी पाजी दिल्ली की सर्दी, डोसा खाएंगे अलग तरीके से। भाई फाइनली टाइम है दिल्ली की सर्दी फर्स्ट एपिसोड को एंड करने का। हम लोग मीठे में खा रहे हैं कुछ क्रेजी चीज। क्या चीज खा रहे हैं हम लोग जी? कुल्फी का बेस लेके चल रहे हैं हम लोग अभी जी। आइसक्रीम्स में कौन कौन सी पड़ेगी इसमें? आइसक्रीम इसमें ड्राई फ्रूट्स वाली होती है, हमारी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम बनाते हैं। ये आपका रॉयल ग्लास है जी। ये है रबड़ी की हमारी क्वालिटी, आप देख सकते हैं कितनी थिक है। कोई ऑलमोस्ट लोग पतली रबड़ी बनाते हैं, हम पतली रबड़ी प्रेफर नहीं करते। ये रॉयल फलूदा बन रहा है ना, उसमें काम भी रॉयल होना चाहिए। ये बेसन सब्जा सीड्स। अब आ गया हमारा स्टार अट्रैक्शन, क्योंकि फलूदा बन रहा है रॉयल फलूदा में। फलूदा जब तक नहीं बढ़ेगा तो वो फलूदा कंप्लीट कैसे होगा? तो फलूदा आ गया, अभी आधा ग्लास भरा है। अभी इसकी डबल लेयरिंग होगी जेली, फ्रूट जेली। मेरा नाम आकाश है। और ये कितने टाइम से है ये?
भैया 1995 से हमारे काम, हमने एज ए रेडियो स्टार्ट किया था, अभी 3 ब्रांच है यहाँ पर, कोई नहीं है। अच्छा, अभी इसकी लेयरिंग देखो, लेयरिंग बना रहे हैं भाई। यहाँ साइड से देखो ना, इधर जेली डाल के नीचे कुल्फी, फिर रबड़ी, बहुत सारी चीज़ें, ऊपर फिर से रबड़ी आ गई, डबलिंग जो बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे इनकी नॉर्मल रबड़ी फलूदा खाता था, भैया ने बोला आप ये वाली टेस्ट करो, काफ़ी कमाल की है एंड प्राइस इसका काफ़ी रीजनेबल है। ये ड्राई फ्रूट का गार्निश आ गया, ऊपर स्टैकिंग बन रही है ये इसकी। अब एक बार फिर से बताइए इसमें क्या क्या लेयर्स है। सबसे नीचे हम लोगों ने कुल्फी से स्टार्ट किया, बिकॉज हम आइस यूज नहीं करते हैं, आइस जगह कुल्फी यूज करते हैं। ठीक है, कुल्फी, रबड़ी, देन बेसल, देन फलूदा, देन अगेन बेसल, देन रबड़ी, देन ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम, देन 2 स्कूप आइसक्रीम, देन अपना टॉपिंग। काफी लोडेड है, काफी लोडेड, काफी ज्यादा लोडेड। ये देखने में जितना अच्छा है, खाने में उससे ज्यादा भी अच्छा है। एक हमारी देसी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। भैया काफी लोडेड चीज है ये जो एरिया है ना। पहले मैं आपको एरिया बताता हूँ, ये एरिया रेड लाइट है, ये मानव चौक एरिया है, पीछे मानव विहार अपार्टमेंट है, और यहाँ से अगर आप राइट साइड में देखेंगे ना तो ये मन्नू भाई मट्ठी वाले का बोर्ड है। यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा नमकीन वगैरह लेते रहते हैं। ये जो भाई जो प्लेलिस्ट है ना, ये दिल्ली की सर्दी, ये अलग प्लेलिस्ट चल रही है भाई जी भाजी। और इसके जो एक्चुअल जो मतलब जो निचोड़ है ना इसका, दिल्ली की सर्दी के रोहिणी एडिशन का, वो आ रहा है ट्रैवलिंग बाजी डेली ब्लॉग। क्योंकि ये वो सारी जगह है जहाँ पे हम लोग खाते हैं, मन्नू भाई से मट्ठी लेते रहते हैं हम लोग, यहाँ से जैन कुल्फी से हम लोग रबड़ी फलूदा खाते रहते हैं। ये वाली पहली बार खा रहे हैं, मतलब नॉर्मल इनकी 50 रुपीज वाली रबड़ी फलूदा खाते रहते हैं। यहाँ पे एक बेड़मी पूड़ी वाले भैया भी बैठते हैं, वो भी खाते रहते हैं। ट्रैवलिंग बाजी डेली ब्लॉग पे लाइव अपडेट्स। ये चीज मैं आपको बताऊं, अभी वो टाइम है तो मट्ठी मट्ठी ठंड पड़ी है, अभी थोड़ी रात हो गई है ना, तो लग रहा है हल्की हल्की से ना विंड शीटर होता ना साथ में, लोगों ने फुल स्लीव देखो आनी शुरू हो गई है। अभी स्कूटी पे निकलोगे ना ठंड लगेगी, स्कूटी पे जैकेट की जरूरत है। तो मौसम आ गया, तो अभी एक महीने बाद ना ये डेयर डेविल हो जाएगा। अभी ये फीचर हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सर्दी में रबड़ी फलूदा भी तो दिखा सकते हैं ना हम लोग, बट स्टार्टिंग में, जब तक दिल्ली की सर्दी में हाफ स्लीव में शूट कर रहे हैं तब तक रबड़ी फलूदा है भाई। बहुत कमाल का बना है भाई ये, एंड फॉर द प्राइस इट्स इनक्रेडिबल, ओनली 100 रुपीज लेयरिंग भाई। टाइम टू से गुड बाय। आज के दिन में आपको दिखाया बेहतरीन चाट, आपको दिखाया आज के दिन में बेहतरीन समोसे, बेहतरीन डोसे दिखाए, और एंड कर रहे हैं बेहतरीन रॉयल रबड़ी फलूदा से। टू गुड, बात करेंगे नेक्स्ट संडे दिल्ली की सर्दी सीजन 2 विद वेजी वेजी में। बाकी सैटरडे स्पेशल्स आते हैं, ट्यूजडे वीडियोस, सब कुछ आते रहता है, डेली वीडियोस आती है, ब्लॉग्स एट ट्रैवलिंग बाजी, कुकिंग वीडियोस एट कुकिंग बाजी, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। एंजॉय, मजा नहीं लाइक, एंड हैप्पी दिवाली आने वाली है ना।